पहले बाढ़ और अति बारिश की वजह से फसलों को काफी क्षति पहुंची थी। वहीं अब येलो मोर्चे की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। पीपलखेड़ा क्षेत्र के किसानों द्वारा आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक लिखित ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने फसलों में हो रहे नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की। साथ ही साथ वर्ष 2019-20 में मुआवजा राशि की फसल बीमा की राशि न मिलने की शिकायत करते हुए उसे जल्द से जल्द दिलाने की मांग ज्ञापन के जरिए की। किसानों द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी वह कलेक्टर महोदय को फसल सर्वे को लेकर ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो अतिवृष्टि से फसल खराब हुई है उनका सर्वे नहीं हुआ है। किसानों ने आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी फसलों का शीघ्र सर्वे किया जाए, जिससे कि वह उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। और न शासन प्रशासन से कोई उचित कार्रवाई की गई है। जैसे कितने किसान प्रभावित हुए? यहाँ हमारे ग्राम पीपलखेड़ा के लगभग 1100 से 1200 किसान प्रभावित हो चुके हैं। सोयाबीन की जो प्रमुख बीमारी पीला मोजेक और डाउनी मिल्टीओ पाउडरी मिल्टीओ के कारण पूरा फसल नष्ट हो चुका है। क्या चाहते हैं हम शासन प्रशासन से? आप ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से हमारी फसल का सर्वे कराया जाए और जो किसान प्रभावित हुए हैं आप तो इस पार्ट पर शासन प्रशासन हमारी फसल देखें और उचित मुआवजा राशि हमें मुहैया करा। प्रतिनिधि जी, क्या समस्या लेकर आए? किसानों की समस्या है, अति वर्षा से पीला मोजेक से फसल खराब हो गई है, उसकी सर्वे की मांग के लिए हम एसडीएम साहब के पास आए। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सर्वे हो और उचित मुआवजा मिले। कितने लोग प्रभावित हुए इससे? पूरे पीपलखेड़ा के लगभग पूरे गांव के किसान प्रभावित हुए हैं और आसपास के गांव के भी प्रभावित हुए हैं जी। मैं उत्तम धाकड़, ग्राम पीपलखेड़ा से। अति वर्षा के कारण पीपलखेड़ा में जो सोयाबीन की फसल थी वो पूरी नष्ट हो चुकी है, तो प्रशासन से मांग है कि उचित सर्वे कराकर और किसानों को मुआवजा दिया जाए। अच्छी, क्या नाम है, कहाँ से आए हो और आज के संदर्भ में क्या? हम सब पीपलखेड़ा हल्का नंबर 7 के किसान हैं। हम ग्राम पीपलखेड़ा से आए हैं और सभी किसानों की मांग ये है कि उनकी जो फसलें खराब हो रही हैं अतिवृष्टि से, उनका जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा राशि एवं बीमा राशि सरकार दे। और शासन, हमने एक प्रशासन से एक मांग और की है कि सन 2019 का और 20 का मुआवजा अभी तक खरीफ फसल का प्रशासन किसानों को नहीं दे पाया है, तो जल्द से जल्द वो भी दिया जाए और उनका फसलों का जो नष्ट हो रही है उनका सर्वे किया जाए।